दोस्तों नमस्कार, आज बात करेंगे कानून की। पति की सैलरी के 30% हिस्से पर पत्नी का हक है। पत्नी अगर आर्थिक रूप से पति पर निर्भर है या पति से अलग रह रही है तो पति उसे गुजारा भत्ते के रूप में अपनी सैलरी का 30% देगा। दोस्तों ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। पहले जानते हैं कि कोर्ट ने किस मामले में ये फैसला दिया है। एनबीटी की खबर के मुताबिक दिल्ली की रहने वाली सीमा की 7 मई 2006 में सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर राकेश से शादी हुई थी। अक्टूबर 2006 में दोनों अलग हो गए। पति से अलग होने के बाद सीमा ने गुजारा भत्ते के लिए अप्लाई किया। फरवरी 2000 में ट्रायल कोर्ट ने राकेश को आदेश दिया कि वो अपनी सैलरी का 30% सीमा को दे। राकेश ने इस फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने गुजारा भत्ता घटाकर 15% कर दिया। इसके बाद महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। महिला ने दलील की भत्ता कम करने के पीछे कोर्ट ने कोई ठोस वजह नहीं बनाई थी। इसके बाद जस्टिस राजीव सचदेवा ने फैसला दिया कि फरवरी 2008 में फैसले के मुताबिक ही सीमा को गुजारा भत्ता दिया जाएगा। कोर्ट ने सीआईएसएफ को निर्देश दिया कि राकेश की सैलरी का 30% हिस्सा सीमा के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। आप जान लें कि गुजारा भत्ता तय करने का फॉर्मूला क्या है। इस बारे में हमने आपको एक वकील ब्रजमोहन भदौरिया से बात की। उन्होंने बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पति से अलग रही पत्नी या तलाकशुदा महिला अपने पति से गुजारा भत्ता ले सकती है। इसका क्राइटेरिया पति की लिविंग स्टैंड पर निर्भर करता है। हालांकि उन्होंने फॉर्मूला बताया कि यदि पत्नी पर पति के अलावा किसी और के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं है तो पति के इन हैंड सैलरी को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसके 2 हिस्से पति को और 1 हिस्सा पत्नी को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पति के इनकम में 1/3 हिस्से पर पत्नी का हक है। जब तक पत्नी किसी और से शादी नहीं कर लेती तब तक पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा। दोस्तों यह जानकारी आपको बताना जरूरी था, इसलिए हम आपके लिए ये लेकर आए। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें। साथ यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हम फिर एक नई जानकारी आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।